हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ मीसो एथनिक वेयर हॉल, और ये जो है वो वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट रहेगा, जितने भी सारे आउटफिट हैं। सो मैं एक एक करके सबका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, मीसो से मैं कुछ वेडिंग स्पेशल कलेक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि ये मीसो पर न्यू अराइवल है। सो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ शरारा सेट एंड साड़ी, लहंगा एंड सूट वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी। वेडिंग सीजन के लिए अगर आप कुछ देख रहे हो अच्छा सा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप कोई वैसा ड्रेस का रिव्यू चाहते हो, तो आप मुझे उसका कोड भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और मैं उसका रिव्यू करूंगी। सो गाइस, अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो फर्स्ट आउटफिट है वो है ये। सो गाइस, ये जो कुर्ती है वो मैं काफी टाइम से लेना चाहती थी, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का है वो आप इसको मेहंदी में भी पहन सकते हो। तो ये जो कुर्ती है इसका नाम है कैफ्टन कुछ करके है, KAFTAN, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको। ये जो कुर्ती है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, सो आप देख लीजिएगा। तो ये जो कुर्ती है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे पहले एक सीरियल आता था पवित्र रिश्ता, तो उसमें नाइट वेयर जो होता है, नाइट सूट, वो जो नाइटी पहनती थी, इसी तरीके का ये जो कुर्ती है वो है। इसका जो फैब्रिक है वो है साटन। सो गाइस, ये जो कुर्ती है वो है 627 रुपीज का, एंड इसको पहनने के बाद उतना अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। आपका जो वेस्ट एरिया है वहां पर आप इसको टाई कर लो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। और इसको मैं फ्री साइज मंगवाई थी, सो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा है इसका, इतना ज्यादा इसका चौड़ाई है, और लंबाई आप देख सकते हो काफी ज्यादा लंबाई है इसका। एंड इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर वी टाइप में इसका है गला, एंड इस साइड राउंड नेक है, एंड इसका स्लीव इसी तरीके का है, इस साइड भी इस तरीके का है, एंड इस साइड भी है इस तरीके का, एंड आपको साइड में इस तरीके से लगा हुआ रहेगा गोटा पट्टी टाइप से, पूरे में लगा हुआ है ऐसे, आपको नीचे में दोनों साइड इस तरीके का फुतना टाइप का दिया हुआ रहेगा, इधर भी है एंड इस साइड भी है। ये जो है ये फ्रंट साइड है, एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाई करने के लिए दिया हुआ है, इसको आप इस तरीके से खींच करके एंड यहाँ पर टाई कर लो, एंड इसमें भी आपको इस तरीके का दिया हुआ है, एंड साइड में आपको इसका इस तरीके से खुला हुआ है दोनों साइड में। सो गाइस, ये जो कुर्ती है वो मुझे थोड़ा अलग टाइप का लगा, इस टाइप का मैं कभी भी कुर्ती ट्राई नहीं की थी, तो इसीलिए मैं इसको ऑर्डर कर ली। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। सो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये, जो कि है ये एक लहंगा, और इस तरीके से आपको पैक होकर के आएगा, इस तरीके का बैग है, एंड यहाँ पर आपको चैन दिया हुआ है, तो यहां से मैं ओपन कर लेती हूँ। सो गाइस, ये जो लहंगा है वो मैं परचेज की थी 1000 के आसपास इसका प्राइस है। तो ये जो लहंगा है, ये लहंगा मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एंड आप अगर हल्दी में कोई अच्छा सा देखना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा लहंगा है। इसका जो फैब्रिक है वो है आर्ट सिल्क, और इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूरा मल्टी कलर है, इसमें सारे कलर दिए हुए हैं। सो गाइस, अगर आपका कमर 36 या 38 भी है तो आपको ये हो जाएगा आराम से, इसका आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है वेस्ट, एंड इसकी फ्लेयर की बात करूं तो इसकी फ्लेयर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एंड बहुत ज्यादा इसका फ्लेयर है, जो कि पहनने के बाद ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको नेट दिया हुआ है इस तरीके का, जो कि आपका लहंगा फ्लैट ना लगे, थोड़ा सा फैला हुआ लगे तो अच्छा लगता है देखने में। तो क्वालिटी इसका बेस्ट है और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी दिया हुआ है, मुझे ये लहंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एंड इस तरीके से आपको ओपन है, इसको थोड़ा स्ट्रेच करवाना पड़ेगा आपको साइड में, बस उसके अलावा और कुछ नहीं, बट इसमें आपको बंद नहीं दिया है कोई भी, तो आपको खुद से डलवाना पड़ेगा। एंड इसका जो फ्लेयर है, इसका जो घेरा है, वो घेरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घेरा है, एंड मुझे ये लहंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हल्दी के लिए तो ये परफेक्ट आउटफिट है। सो गाइस, इसका जो ब्लाउज है उसका फैब्रिक आप देख सकते हैं, इसको साथ बोलते हैं टफेटा सिल्क, तो आपको इस तरीके का प्लेन ब्लाउज का पीस मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको इस तरीके का
लैस लगा हुआ मिलेगा जो कि फेक मिरर है लगा हुआ इसमें। कपड़ा है बहुत ही ज्यादा है एंड आपको बहुत ही इजीली इसमें ब्लाउज बहुत आसानी से बहुत परफेक्ट हो जाएगा। ब्लाउज का पीस एकदम सिंपल है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो फैब्रिक है इसमें आपको लाइनिंग डलवाना पड़ेगा। दुपट्टा है कुछ इस तरीके का, जैसे ब्लाउज में आपको इस तरीके का लेस लगा हुआ था उसी तरीके से इसमें भी लगा हुआ है फेक मिरर वाला लेस। एंड इसका जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट फैब्रिक। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो लेंथ है वो है आई थिंक मुझे लगता है कि 2 मीटर इसका लेंथ होगा। एंड दुपट्टा भी काफी ज्यादा अच्छा है। सो ब्लाउज और दुपट्टा बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड गाइस ये जो लहंगा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर आप हल्दी वगैरह में, अगर आप इवन ब्राइड हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा फैंसी और यूनिक लगेगा पहनने के बाद। सो ये था मेरा दूसरा आउटफिट जो कि आप हल्दी में पहन सकते हो। सो गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ये है सूट, एक प्रॉपर 3 पीस का सूट है और ये पूरा वेलवेट का है। आपको इस तरीके का पैक में रिसीव होकर के आया है। इसका जो प्राइस है वो है 1545 रुपीज। तो इस तरीके से पैक होकर के आया है जैसे लहंगा पैक होकर के आया था। सो गाइस आपको इस तरीके का 4 पीस में रिसीव होगा जो कि आप दुपट्टा वगैरह में इसको लगा सकते हो। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका पैजामा जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये जो साइज है वो मैंने शायद एम साइज मंगवाया है क्योंकि इससे छोटा साइज का अवेलेबल नहीं था, तो ये मुझे थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये जो पैजामा है वो प्लाजो टाइप का है एंड आप देख सकते हैं इसका जो फैब्रिक का क्वालिटी है वो काफी अच्छा क्वालिटी है। इसका इलास्टिक भी काफी अच्छा है एंड इसका आप वर्क देख सकते हो कितना प्रिटी वर्क है। नीचे में आपको इस तरीके का वर्क किया हुआ मिलेगा, आप देख सकते हैं सितारा भी लगा हुआ है एंड इसका जो वर्क है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा फाइन तरीके का है एंड आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है। देन है इसका ये सूट जो कि सूट मुझे बहुत ज्यादा लूज हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा सूट है। आपको इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन बना हुआ है एंड ये फ्रॉक टाइप का है, फ्रॉक सूट टाइप का है। तो यहाँ पर आपको चुन दिया हुआ है, बस यहां से लेकर के यहां तक आपको चुन दिया हुआ है एंड यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन है एंड सामने में आप देख सकते हैं इस तरीके का वी नेक टाइप का है बना हुआ नेक। एंड ये जो स्लीव है वो फुल स्लीव है एंड स्लीव पर आपको इस तरीके का डिजाइन बना हुआ मिलेगा। इसका जो सूट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड नीचे में आप देख सकते हैं आगे का जो फ्रंट का जो है वो थोड़ा सा छोटा है एंड बैक साइड का थोड़ा लॉन्ग दिया हुआ है। बैक में आप देख सकते हैं पूरा सिंपल सा है। तो जो सूट है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बस यहां पर वर्क किया हुआ है। तो ये है इसका सूट। इसका जो सबसे खूबसूरत है वो है इसका दुपट्टा। इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सूट उतना कोई खास नहीं है जो कि दुपट्टा सबसे ज्यादा सुंदर है। इसका जो दुपट्टा है वो है कुछ इस तरीके का। ये जो दुपट्टा है ये कुछ इस तरीके का है, आपको पूरे में इस तरीके का वर्क किया हुआ मिलेगा। दुपट्टे का जो लेंथ है वो आई थिंक 2 मीटर है एंड पूरे में इस तरीके का आपको वर्क किया हुआ मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस इसका जो वर्क है आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके का वर्क किया हुआ है जो कि इसका जो दुपट्टा है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइस एक और प्रोडक्ट मंगवाई थी जो कि था साड़ी। वो जो साड़ी था वो रेडीमेड साड़ी टाइप था, जो मतलब ऑलरेडी वो स्टिच किया हुआ रहता है साड़ी टाइप से और उसको बस पहनना रहता है और ऐसे डाल लो। देखने में वो साड़ी लगता है लेकिन एक्चुअली में वो गाउन टाइप का होता है। तो मैं ऑर्डर की थी ये वाला ड्रेस, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो वो मैं ऑर्डर की थी बट वो आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया। देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और इसका जो प्राइस था वो था 1107 रुपीज। तो अगर आ जाता तो देखने में अच्छा लगता कि कैसा आया है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है साड़ी, जो कि ये वाला मैंने साड़ी मंगवाया था। ये जो साड़ी है वो मुझे काफी टाइम से मंगवाना था, बहुत टाइम से मैं देखी हुई थी। तो ये कुछ इस तरीके का है, स्टिच होकर के आया है तो इस तरीके से खोल लेंगे। एंड ये जो साड़ी है वो पूरे में इस तरीके का प्रिंट बना हुआ है एंड आपको ऐसे लैस लगा हुआ है पूरे में।
इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। एक जॉर्जेट होता है जो थोड़ा सा हार्ड टाइप का रहता है, बट ये जो जॉर्जेट है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड ज्यादा हैवी भी नहीं है। ये साड़ी का क्वालिटी ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये जो साड़ी है वो बहुत ज्यादा सस्ता है, 600 समथिंग का था। आप इसको रिसेप्शन या शादी वगैरह में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्टाइल करके पहन सकते हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। एंड पूरे में आपको इस तरीके का लैस लगा हुआ मिलेगा। सो गाइज, ये है वो साड़ी जो कि साड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसका मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ। ये जो साड़ी है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसका ब्लाउज थोड़ा हैवी में है। इसका जो ब्लाउज है वो है कुछ इस तरीके का। ये रियल मिरर वर्क किया हुआ है इसमें एंड ये काफी ज्यादा हैवी लग रहा है देखने में। ये काफी ज्यादा हैवी लग रहा है एंड आप देख सकते हैं इस तरीके का मिरर वर्क किया हुआ है, जैसे ब्लाउज बनता है उस तरीके का डिजाइन बना हुआ है। सो गाइज, ये है ब्लाउज, ये है फ्रंट का और ये है एक पल्ला साइड पीछे का और ये है एक पल्ला पीछे का। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज का पीस मिल जाता है। पूरे में आपको इस तरीके का मिरर वर्क है किया हुआ, बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लाउज है एंड जब ये पहनेंगे बना करके ब्लाउज तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक भी दे रहा है जो कि अगर आपको स्लीव बनवाना है तो आप स्लीव इसका बनवा सकते हो एंड अगर आपको स्लीवलेस रखना है तो आप इसको स्लीवलेस भी रख सकते हो, इसको छोड़ दो। तो इसका जो ब्लाउज है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा था कि ये स्टिच आएगा बट ये स्टिच नहीं आया। इस तरीके का आपको पीस मिल जाएगा तो आपको कट करके सिलवाना पड़ेगा या फिर अगर आपको सिलने आता है तो आप खुद से भी सिल सकते हो। आपको ब्लाउज के साथ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिरर मिलेगा इस तरीके का एंड आपको ये ग्लू मिलेगा फेविकॉल जिसे आप चिपका सकते हो। तो अगर आपके ब्लाउज का कोई भी मिरर गिर गया है तो आप जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको चिपका करके इससे आप चिपका सकते हो। सो गाइज, इनमें से कोई भी आउटफिट अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं इसका जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड गाइज, अगर आप कोई भी इस तरीके का आउटफिट सजेस्ट करना चाहते हो तो आप उसका कोड मुझे कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका रिव्यू करूंगी। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।